दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। हरियाणा में जलाई जा रही पराली और दिवाली पर फोड़े गए पटाखों की वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर तौर पर आगे पहुंच चुका है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कम से कम बाहर जाने की सलाह दी गई है। प्रदूषण का असर यूपी की राजधानी लखनऊ और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पड़ रहा है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं 500 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ में वाराणसी यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। प्रदूषण का असर दिल्ली से सटे गाजियाबाद पर भी पड़ता नजर आ रहा है। आज सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रहा, जो कि खतरे के लिहाज से काफी गंभीर है। हालात को देखते हुए डॉक्टर्स ने बच्चों, सीनियर सिटीजन्स और दमे के मरीजों को घर से बाहर न निकलने और मास्क लगाने की सलाह दी। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पराली जलाने की जानकारी देने वालों को इनाम देने की भी बात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वो किसानों को दूसरे विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करें। बिहार की राजधानी पटना में प्रदूषण के साथ मौसम बदलने का असर नजर आ रहा है। सुबह से ही पटना में कोहरे की घनी चादर देखी गई। वहीं पर कोहरे के चलते शहर की विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके बाद में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन नियम के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं। इस बदलाव में और इसके बाद में 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे और कुछ विभाग सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग के बाद में यह फैसला लिया। छठ पर्व के चलते आज दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी घोषणा की। सूर्य और छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ 31 अक्टूबर से शुरू हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ के पर्व पर देश और प्रदेश के वासियों को बधाई संदेश दिया। सीएम योगी ने यह संदेश भोजपुरी भाषा में दिया, साथ ही कामना की कि छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। साथ ही साथ सीएम योगी ने छठ पर्व का महत्व भी समझाया। पाकिस्तानी हैकर्स ने दिल्ली बीजेपी की वेबसाइट हैक कर दी है। वेबसाइट हैक करने के बाद पाकिस्तानी हैकर्स ने 27 फरवरी का जिक्र किया। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गेदड़ भपकी भी दी गई। वेबसाइट हैक करने की जिम्मेदारी मोहम्मद बिलाल नाम की टीम ने ली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के चलते गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई जा सकते हैं। यहां अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह की मुलाकात कई बड़े बीजेपी नेताओं से भी होगी। अमित शाह बीजेपी और शिवसेना के बीच में चल रही खींचतान को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। राष्ट्रपति शासन के बयान पर शिवसेना का तीखा हमला सामने आया है। शिवसेना ने दरअसल ये कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा है कि क्या बीजेपी के हाथ में ही राष्ट्रपति होते हैं। 50-50 के फॉर्मूले को लेकर के बीजेपी पर शिवसेना का यह हमला हुआ है। पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे सुधीर मुगंटवार के 7 नवंबर तक सरकार न बनाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बयान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए तीखा हमला किया। शिवसेना ने सामना में राष्ट्रपति शासन लगाने के बीजेपी के बयान पर कहा कि विदा होती सरकार के बुझे जुगनू नए मजाक कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर शिवसेना प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सवाल उठाया कि कोई राष्ट्रपति शासन की धमकी देकर के सत्ता में कैसे आ सकता है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि इस तरह के धमकियों से महाराष्ट्र को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना नासिक दौरा बीच में ही रद्द कर दिया है। वहीं दौरा रद्द करने के बाद में शरद पवार अब दिल्ली आ सकते हैं। यहां शरद पवार सोनिया गांधी की मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान को लेकर के हालात पर चर्चा भी होनी है।
महाराष्ट्र में सरकार गठन और सरकार में भागीदारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में खींचतान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद हुसैन दलवाई ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने पर चिट्ठी लिखी है। हुसैन दलवाई ने सोनिया गांधी से अपील की है कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना को मिलकर के सरकार गठन करना चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में बढ़त के बावजूद मिली हार के बाद में अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं। सोनिया गांधी ने महासचिव प्रभारी और राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में संगठनात्मक मुद्दे पर बातचीत होनी है, साथ ही साथ में हार की वजह पर चर्चा भी की गई। झारखंड चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा की तरह कांग्रेस विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड विकास मोर्चा के साथ में सीट बंटवारे को लेकर के कुछ मुद्दे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा आक्रामक प्रचार करेगी। आज से पीएम मोदी दो दिनों के थाईलैंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी दो दिन से 4 नवंबर तक बैंकॉक पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। बैंकॉक में 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। थाईलैंड में पीएम मोदी 14वें पूर्वी एशिया शिखर वार्ता और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 2 नवंबर को थाईलैंड में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर एक सिक्का जारी करेंगे। पीएम मोदी का इस सफर को ज्यादा जोर एशिया देशों के साथ में भारत के व्यापार एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर फोकस होना है। भारत के दो दिनों की यात्रा पर आई जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कश्मीर पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मौजूदा स्थिति स्थायी नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मर्केल ने शुक्रवार को 5वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श की सह अध्यक्षता की। यूपी में योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में 14 ट्रांसफर किए हैं। वहीं 14 डाइट प्रवक्ता 20 एसएजे बनाए गए। फैसले के मुताबिक कानपुर देहात के बीएसए सुनील दत्त होंगे, जबकि आगरा के बीएसए राजीव कुमार बनाए गए हैं। कन्नौज बुलंदशहर मिर्जापुर और कुशीनगर के साथ में एटा और अयोध्या के बीएसए भी बदले गए। साथ ही साथ यूपी के कई और जिलों में भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों में बदलाव किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हजरतगंज थाने में तैनात 2 एसआई डेंगू की चपेट में आ गए। साथ ही साथ सिविल चौकी इंचार्ज सी बिगरी को भी डेंगू हो गया और हजरतगंज थाने में तैनात एसआई निशु को भी डेंगू हो गया, जिसके बाद में सिविल अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। लखनऊ के ठाकुरगंज के तहसीलगंज चौराहे पर कुछ शहदों ने पिटाई का मामला के जरिए सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने एक लड़की के साथ में छेड़खानी की, जिसके बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने शहदों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर चलता रहा। संबल में 2 लोगों के बीच में मारपीट का वीडियो सामने आया। यहां 2 लोग किसी बात को लेकर के आपस में भिड़ गए। वहीं दोनों लोग घंटों तक एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को शांत कराया। हापुड़ में यातायात माह के शुभारंभ पर सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकाल करके नुक्कड़ नाटकों के जरिए यातायात के नियमों के प्रति जनता को जागरूक करने की कोशिश की। स्कूली छात्रों ने शपथ ली कि वो हमेशा यातायात के नियमों का पालन करेंगे। बच्चों ने हाथों में बोर्ड लेकर के रैली निकाली और उनको वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने, हमेशा हेलमेट पहन करके और सीट बेल्ट बांध करके वाहन चलाने की बात कही और शपथ भी दिलाने की कोशिश की। उत्तराखंड के रामनगर में से एक ट्रक में कोबरा संभल पहुंच गया। वहीं कोबरा को लेकर के इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद में मौके पर लोगों की भीड़ पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद में लोगों ने कोबरा को पकड़ा।
प्रयागराज में देश के 300 से अधिक शिल्पकार और शेफ्स के संगम नहर हाट लगा हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहेंगे। देश भर से हुनर का मेला हुनर हाट उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में शुरू हो चुका है। मेले में बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित देश के हर कोने से 300 से अधिक दस्तकार शिल्पकार खासा में भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कट्टरपंथी धार्मिक नेता फजलुर रहमान ने शुक्रवार से ही विशाल रैली शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आजादी मार्च शुरू किया। इमरान को इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन यानी कि शनिवार की भी गिरावट देखने को मिली दर्ज की गई। इस बीच में दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में शनिवार को पेट्रोल सस्ता हुआ। डीजल की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की बात करें तो यहां पर 1 लीटर पेट्रोल का भाव 5 पैसे की गिरावट के साथ में 72.80 रुपये पहुँच गया। वहीं डीजल अपने पुराने भाव 65.80 रुपये प्रति लीटर पर ही बिक रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI ट्राई ने कॉल की घंटी का समय मोबाइल के लिए 30 सेकंड और लैंडलाइन के लिए 60 सेकंड तय किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी संशोधित नियमों में व्यवस्था लागू की है। आपको बता दें कि अभी तक हमारे फोन में घंटी की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं थी। सरकारी कंपनी कोल इंडिया अगले वित्त वर्ष में 750 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करेगी और इस दौरान करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बात केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है। कोल इंडिया वित्त वर्ष 2024 तक 1 अरब टन कोयले का उत्पादन भी करेगा।